दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 91वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का पालन। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने जोर देते हुए कहा, आरएसपी में काम करने के लिए आने वाला प्रत्येक व्यक्ति सकुशल घर लौटे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम के माध्यम से 18,500 से अधिक बच्चों का टीकाकरण। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री मदन मोहन लेंका। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा 51वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर 4 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह समारोह का प्रारंभ हुआ। आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने शिल्प कोणार्क स्मारक परिसर में सुरक्षा ध्वज फहराया। इस समारोह में कार्यपालक निदेशक खान श्री ए के कुंडू, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एस आर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री ए के प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी के शतपति, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी आर महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक टीए एंड सीएसआर श्री ए के नायक, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री ए के बेहोरिया, कई अन्य मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, विभागीय सुरक्षा अधिकारी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में वर्क्स के कर्मचारी शामिल थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री भौमिक ने कहा, सुरक्षा हर किसी का दायित्व है और इसकी शुरुआत प्रत्येक व्यक्ति के घर से होनी चाहिए। उन्होंने सभी से सुरक्षित रहने और दूसरों को भी सुरक्षित रहने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। उन्होंने बल देते हुए कहा, आरएसपी में काम करने के लिए आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सकुशल घर लौटना चाहिए। मुख्य महाप्रबंधक सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं श्री असीम कुमार बेहरा, मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री नरेश कुमार और मुख्य महाप्रबंधक रखरखाव श्री सहबाल चक्रवर्ती द्वारा क्रमशः उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में सभी को सुरक्षा संकल्प पाठ ग्रहण कराया गया। पूर्वाहन श्री एस आर सूर्यवंशी ने ईडी वर्क्स कार्यालय में सुरक्षा ध्वज फहराया। इसी प्रकार परियोजना क्षेत्र में कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री ए के प्रधान ने सुरक्षा ध्वज फहराया। दोनों अवसरों पर और साथ ही विभिन्न विभागों में भी सुरक्षा शपथ ली गई। वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा बैज लगाए गए। सप्ताह के दौरान कर्मचारियों के लिए सुरक्षा प्रश्नोत्तरी, भाषण और गीत प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ठेका श्रमिकों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिताओं जैसे कार्यक्रम का भी आयोजन का प्रावधान रखा गया है। इस्पात जनरल अस्पताल आईजीएच में 27 फरवरी को आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेडिकल डॉक्टर एनपीडी साहू ने उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस अवसर पर अतिरिक्त सीएमओ डॉक्टर जयंत कुमार आचार्य, अतिरिक्त सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार पानीग्रही, उप सीएमओ डॉक्टर अर्चना बेहरा, सहायक सीएमओ डॉक्टर सतीश चंद्र, आईजीएच के डॉक्टर, नर्स स्टाफ और बच्चों के माता पिता उपस्थित थे। पहले दिन इस्पात शहर में स्थापित विभिन्न बूथों पर पल्स पोलियो दिया गया। तत्पश्चात दूसरे व तीसरे दिन शहर में रहने वाले 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर अभियान चलाया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में कुल 18,680 बच्चों का टीकाकरण किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री मदन मोहन लेंका। श्री मदन मोहन लेंका, जिनका जन्म 20 जून 1914 को ओडिशा के बारीपदा जिले में हुआ था, छऊ नृत्य की मयूरभंज शैली के प्रसिद्ध गुरु थे। उन्हें उत्तरशाही छऊ अखाड़े में कंडरा बाबू, चंद्र मोहन तराई, वैष्णव जीत बाबू और मुकुंद चंद सामल जैसे गुरुओं के अधीन प्रशिक्षित किया गया था। उन्होंने 13 साल की छोटी उम्र में अपने करियर की शुरुआत की।
उन्हें ज्यादातर कैलाश लीला, प्रेमी प्रेमिका और गरुड़ भाना के प्रदर्शन के लिए सराहा गया। पुरानी पीढ़ी के बेहतरीन नर्तकों में से एक उन्हें उत्तरसाही शैली में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए याद किया जाता है। उनके कई मूल कोरियोग्राफिक कार्य अब अकादमी मानक छऊ प्रदर्शनों की सूची का हिस्सा हैं। बाद में वे बारीप्रदा में मयूरभंज छऊ नृत्य प्रतिष्ठान में गुरु बने। उन्हें 1978 में राज्य संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1987 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 25 सितंबर 2007 को उनका निधन हो गया। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।